हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, और फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोनिया वट ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से, क्योंकि 5 बजे से हम घर से आए थे और घर से मैंने ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग इसलिए नहीं की क्योंकि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा मैं दीदी लोगों को छोड़ने गई थी दीदी के ससुराल। और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, आजकल पहाड़ों में लड़ाई मंडाई चल रही है, तो दीदी आजकल यहाँ आ रखी है हमारे लिए खाना वाना बनाने के लिए, क्योंकि खेतों से हम काफ़ी लेट जाते हैं घर। तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग इसलिए नहीं की क्योंकि मेरी दीदी की लड़की सो रखी थी, तो उसने बोला हल्ला मत करो, तो मैं आ गई। और कई लोगों की धान ऐसी हरी है क्योंकि इन्होंने काफ़ी लेट से रोपाई की थी, इसलिए इनकी धान अभी ठीक ढंग से पकी नहीं है और यहाँ पर सब लोग मंडाई कर रहे हैं। लगभग सब लोगों ने लवाई मंडाई कर दी है, बस ऊपर ऊपर बच रखे हैं कुछ कुछ खेत। और मुझे जाना है इस रास्ते, नहर के रास्ते, आपको भी दिखाती हूँ कितना डरावना रास्ता है, देख लो। ये देख लो, हमने भी पूरी लवाई ठीक ढंग से नहीं की है क्योंकि हमारी भी फसल हरी थी और कुछ कुछ लवाई की है, और आज हम उस कनके की मंडाई करेंगे जहाँ पे मम्मी है। लवाई करने के बाद इस तरह से कनका लगाया जाता है, और कनके पे देख सकते हो मम्मी लोगों ने किस तरह से पुतला टांग रखा है। ये सब सुअर के डर से ही लगा रखा है पुतला, कि वो हमारी फसल को बर्बाद ना करे, क्योंकि फसल तो वो बर्बाद करता ही है पर कनके को भी नहीं छोड़ता है बर्बाद करने के लिए। हेलो दादी। हेलो। तो हम आगे आ गए थे और मम्मी से मिलिए। हेलो मम्मी। हेलो। तो आज हम आ रखे हैं मंडाई करने के लिए और हम जल्दी आ गए थे और दादी आराम आराम से आई। कर रहे हैं और कुछ लवाई करने के लिए भी है, और कुछ लोगों ने कनके लगा दिए हैं और कुछ ने तो पेड़ों पे न्यार भी लगा दिया है। लोग इतनी तेजी से काम कर रहे हैं कि क्या ही बोलें। तो देखिए जी, कुछ इस तरह से मैंने पूरे खेत में पंगत लगा दी है न्यार की, और दिखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। और इसको इस तरह से सुखाया जाता है, और ये घास तब काम आती है, मतलब जनवरी दिसंबर जनवरी में, जब अभी तो हरियाली है, जब चारों तरफ सूखा पड़ जाता है तब के लिए, हमारे गाय भैंसों के लिए बहुत काम आती है ये घास। तो जो हमारे नीचे वाले खेत हैं उनमें भी हमने कभी रोपाई की थी, पर अब हमने उनको छोड़ दिया है, वो बंजर पड़ गए हैं। इसलिए पड़े हैं क्योंकि यहाँ सुअर पूरी फसल बर्बाद कर देता है और हमारे खेत भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हमने इनको बंजर छोड़ दिया है। और कुछ हमने इसलिए भी बंजर डाला है क्योंकि जून में जब रोपाई होती है उस टाइम पे पानी बहुत कम होता है गदेरों में, और बड़ी आफत आती है यहाँ, इसलिए हमने कुछ कुछ खेत कम कर दिए हैं और यहाँ बस दो खेत कर रखे हैं।
फसल का तो कुछ पता नहीं है, पर न्यार हमारा ज़्यादा ही हो रखा है और फसल में भी होना ही था। अगर सुअर हमारी फसल को बर्बाद ना करता, सुअर ने पूरी फसल बर्बाद कर दी है। और मैं जाऊंगी अब घर धान के कट्टे को लेके, और मम्मी दादी करेंगे खेत की लवाई जो हमारा बच रखा था लवाई करने के लिए। और अभी मम्मी आ रही है मेरे कट्टे को लेके ऊपर तक, क्योंकि नहर का रास्ता ठीक नहीं है, फिसलन है और चारों तरफ घास ही घास है। तो अभी चलती हूँ मैं घर। तो आधे रास्ते में भी पहुँच चुकी हूँ मैं, और अभी मैं यहाँ पे बैठ रखी हूँ। और चढ़ाई पे ना कट्टे को लाते लाते इतनी हालत ख़राब हो गई है मेरी, और जिस खेत की हमने आज मंडाई की है उस खेत में आज हमारे बस दो ही कट्टे धान के हुए हैं, नहीं तो पिछली बार तक हमारे 5-6 कट्टे आराम से हो जाते, पर सुअर ने सारी फसल को बर्बाद कर दिया। तो क्या किया जाए, अब चलते हैं आराम आराम से घर। तो दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे, और घर आके मैंने सबसे पहले घोशाला का काम निपटाया, क्योंकि मम्मी तो थी नहीं घर पे, तो भैंस को अंदर बांधा। और यहाँ पे अप्पू है, तो अप्पू से भी मिलिए। अप्पू आ जा, हेलो कर। हेलो। तो अप्पू बड़ी शर्मीली है, पता नहीं कैसे आ गई कैमरे पे। और अभी मुझे धान सुखानी है छत पे, जो मैं नीचे से लेके आई हूँ सेरा से। और दीदी जा रखी है नहाने के लिए, तो दीदी से भी मिलवाऊंगी। और नानी अंदर सो रखी है, इसलिए हम थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं। है अप्पू? अप्पू तो हालांकि ये जा रही है तब से। दादी भी आ चुके हैं घर, और दीदी भी आ गई है नहा के, और सोना भी उड़ गई है, तो दीदी लोगों से भी मिलिए। हेलो। हेलो चाइना। चाइना कौन है ये? ये कौन है? ये सुंदर लड़की कौन है? दोस्तों तो मैं आजकल यहाँ रखी हूँ, मैंने सोचा यार थोड़ा 2-4 दिन इनकी हेल्प कर दूँ। वहाँ ना रहे तो मेरा कोई काम नहीं है, सिवी के अलावा, है ना सिवी? थोड़ा तो मैंने कहा इनको खाना पीना बना लेती हूँ। तो ये बहुत गंदी लड़की है, रोती रहती है, बस मम्मी को परेशान करती रहती दिन भर। कहाँ ले जाना मैंने इसको? देखो उधर गाइस को बोलो हेलो। हेलो करो। हेलो गाइस, क्या चाहिए सोना? मैं बहुत गंदी लड़की हूँ,